दुर्ग पद्मनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुबन बार और रेस्टोरेंट पर देर रात पुलिस ने की कार्यवाही। दुर्ग पद्मनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मधुबन बार व रेस्टोरेंट पर दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि देर रात को मधुबन बार एवं रेस्टोरेंट में गश्त के दौरान चेक करने पर रात्रि लगभग 1:30 बजे बार के अंदर कुछ ग्राहकों को शराब सेवन करते देखा गया, जो कि होटल बार के उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन है, जिसके बाद बार मालिक का पंचनामा बनाकर बार संचालक विनोद सिंह पर कार्रवाई कर सभी गवाहों के समक्ष कार्रवाई करते हुए दुर्ग कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस मामले में आईपीएस उमेश गुप्ता प्रभारी पद्मनापुर थाना ने अपनी जानकारी दी। हाँ, रात्रि गश्त के दौरान मैं और मेरी टीम जब जहाँ बार का संचालन होता है वहाँ पहुँचे, तो लगभग रात्रि के लगभग 1:30 बजे भी बार खुला था और अंदर जो कुछ कस्टमर्स थे वो शराब का सेवन कर रहे थे, जो कि बार और होटल के जो लाइसेंसिंग शर्तें होती हैं उनका पूर्णतः वायलेशन है। तो जो कि बार अपने नियम और शर्तों का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए हमने एक पंचनामा तैयार किया है और साथ ही एक प्रतिवेदन माननीय कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया है। इस बार पर एक उचित कार्यवाही की जाए। बार के लाइसेंस के नियमानुसार उसके एक शर्त के अनुसार उनको रात्रि के 12 बजे तक खोलने का अनुमति है, लेकिन पहले भी उनको हिदायत दी गई थी जब वो आधे घंटे देर तक भी बार का संचालन करते थे, किंतु बार बार वो इस चीज़ को रिपीट कर रहे थे और उन शर्तों का उल्लंघन जो है बार बार होता हुआ पाया गया और हमेशा गश्त के दौरान ये पाया गया, तो अंततः उन पे कार्यवाही करना उचित था। ग्रैनी सीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।